संजय दत्त की बायोपिक बॉक्स ऑफिस पर सफल है और अनुमान लगाया जा रहा है कि थिएटरों से उतरने के पहले फिल्म 300 करोड़ तक बना लेगी। लेकिन यह कमाई सिर्फ निर्माता जोड़ी विधु विनोद चोपड़ा और हिरानी के हिस्से में नहीं आएगी, बल्कि संजय दत्त को भी इसमें बड़ा हिस्सा मिलेगा। मतलब साफ है कि सिर्फ अपनी कहानी निर्माता निर्देशक को बताने के लिए संजू को करोड़ों मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने फिल्म में एक्टिंग नहीं की है। असल में फिल्म की रिलीज के बाद जैसे ही तय हुआ कि संजू बॉक्स ऑफिस पर सफल होने जा रही है, सवाल उठाने लगे कि संजय को इस फिल्म से कितना धन मिला जा रहा है। इसके बाद हुई खोजबीन में सामने आया कि संजू ने फिल्म के लिए अपनी कहानी बताने के वास्ते करोड़ों रुपए लिए। यही नहीं, हिरानी संजय के बीच समझौता हुआ कि फिल्म के बाद भी मुनाफे में बंटवारा होगा। संजय के करीबी सूत्रों के हवाले से मीडिया में बताया गया है कि हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा को संजू की कहानी फ्री में नहीं मिली। संजय के मैनेजरों ने निर्माताओं से भावताव किया और कहानी के लिए करीब 9-10 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। शर्तों में यह भी शामिल किया कि फिल्म के मुनाफे में से संजय को तय राशि मिलेगी। इसके बाद ही संजय ने अपनी कहानी फिल्म के लिए हिरानी और चोपड़ा को सुनाई।